अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आयशा, मैं घर से निकला तो मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो कभी कभी ऐसा होता है नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है सरदार साहब। रात में भी कम खाया था तो मेरी जरा शुगर लो हो गई। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सोचा कि कोई मीठी चीज लेता हूँ, तो कराची में केबिन कहते हैं, लाहौर में खोखा कहते हैं। मैं एक खोखे पर गया, मैंने कहा यार मुझे कोई टॉफी दे दो ताकि मैं खाऊं तो मेरी जरा शुगर लेवल्स बेहतर हो। मैंने पैसे दिए, मैं मुड़ने लगा तो मेरी नज़र पड़ी मेरे दोस्त के बड़े भाई का बेटा, 15 साल की उम्र। मैंने सलाम दिया, मैं क्या हाल है बेटा, कैसे हो, ठीक हो, पढ़ाई ठीक चल रही है? कहता हाँ जी 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 इमरान भाई बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरी नज़र पड़ी अचानक से वो सिगरेट का पैकेट खरीद रहा था। अब मेरी आदत है कि मैं लोगों की कमजोरी पर ज़्यादा नज़र नहीं रखता कि किसी को शर्मिंदगी ना हो। मैंने सोचा इसके बाप को बता दूंगा, अभी कोई बात नहीं करता। मैं जाने लगा तो उसने मेरे सामने सिगरेट का पैकेट खोला और मेरे सामने ही 15 साल का बच्चा मुंह में सिगरेट लगा के कूल बन रहा है। मैंने कहा यार तुम सिगरेट पीते हो? कहता हाँ, तो क्या हो गया इमरान भाई, सब पीते हैं। मैंने कहा तुमने सिगरेट के पैकेट के ऊपर ये लिखा हुआ नहीं पढ़ा कि स्मोकिंग किल्स? एंड यू नो व्हाट आयशा, स्मोकिंग एक्चुअली किल्स। तो कहता है केबिन वाले चचा को, मुरीद चचा कितने सालों से सिगरेट पी रहे हो? अब वो जो चचा है उसने खुद मुंह में गुटखा डाला, बाबा 40 साल हो गए भाई, 40 साल हो गए सिगरेट पीते पीते। कहता चचा आप मरे तो नहीं? कहता मैं तेरे सामने ही तो खड़ा हूं जिंदा, देख तो सही। कहता चचा माफ कीजिएगा, चची कहाँ होती है? अब वो बेचारे केबिन वाले की आंखें भर गई। कहता यार वफात पा चुकी है। अब ऐसी बदतमीजी, उनसे पूछने लगा कि वो सिगरेट पीती थी? वो कहते हैं नहीं। कहता इमरान भाई देखें, जो सिगरेट नहीं पीता मर तो उसने भी जाना है, तो सिगरेट पीने से क्या होता है? मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करिए, बुराई है? कहता है इमरान भाई बुराई तो खत्म कर रहा हूं, दिन में 2 डिबिया पीता हूं, कम तो हो रही है ना दुनिया से। अब कहता इमरान भाई आपको पता नहीं है इसका मजा, इससे इंसान स्टाइलिश लगता है, कूल लगता है। मैंने कहा तेरी जिंदगी का सबसे बड़ी इंजॉयमेंट ये? कहता हाँ इमरान भाई, इंजॉयमेंट भी है और टेंशन भी है। आपको पता नहीं इमरान भाई, आपके पास सिर्फ सिगरेट और लाइटर ना हो ऐसा लगता है कि सांसें हैं रूह नहीं है। फिर मैं हो गया सीधा और मैंने उसे कहा कि खुदा का खौफ कर, कुछ शर्म कर, तेरे मां बाप ने तुझे जब तू नौमौलूद सा था तब से लेके आज तक सिर्फ इस दिन के लिए नहीं पाला कि तू सिगरेट पी पी के लोगों के सामने कूल बने, कुछ खुदा का खौफ कर, शर्म कर, फेंक दे डबिया इधर और चल कर। चला गया। मेरी आप सब लोगों से इल्तिमास है, आप मेरे मुल्क की यूथ हैं, अपनी मां के दिल की धड़कन है, स्मोकिंग एक्चुअली किल्स, सिगरेट आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए खतरा है। मेरे मुल्क के तमाम नौजवानों, कुछ खुदा का खौफ करो, अपने माँ बाप का खौफ करो, अपने माँ बाप के दिल का खौफ करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, वो जिंदा भी रहे तो जिंदा नहीं होंगे। दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की पूरी टीम की तरफ से और आपके इमरान अशरफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। शेरा अपने लिए एक जीन्स ढूंढने गया हुआ है, कोई बड़ी ब्रांडेड सी जीन्स है जो मिल नहीं रही उसे, कल या परसों वापस आ जाएगा। तब तक आइए और मेरे इस खूबसूरत दोस्त को इज्जत प्यार और एहतराम से ले जाया जाए। आयशा, अपनी जेबां चेक कर लेना।
दूजे से निकाल ले और। हाँ, लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप उनसे मिले उन्होंने चेक की थी उसके बाद। हाँ जी, क्या हाल है सरदार साहब जी। जनाब ए जेडे छोटे छोटे बच्चे जी जी जिन्हां दे हले जिवें नवीं गड्डी लैने आ ते सीटां दे छापर भी नहीं उतरे हुंदे, सीटां दे छापर ला रहे ने और कूल बन रहे ने। बुरी बात है, धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीने वाला जवान कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जवानी च लड़क जाता। इमरान भाई सिगरेट पीना तो लैदा गल है, बच्चों के दिलों से अजकल खौफ नहीं रहा। पहले एक दौर हों कि दोस्त अब्बा आ गया तो उन्ना ही डर हों जिन्ना अपने अब्बे का। हूँ इन जी तरह छोटा जहा मुंडा मेरा भतीजा ही लगता तो सिगरेट पी रहा। अच्छा तो मेरे सामने ही सिगरेट ला लिया, मैं कहा शर्म कर चाचे के सामने सिगरेट ला लिया। कहता चाचा ये कि पेट्रोल पंप। अच्छा अच्छा मजे की बात बताऊँ आपको, वो जो सिगरेट पी रहा था वो तो बहुत ही गलत बात थी, लेकिन गालों ने ठीक की थी। चाचा ये क्या बात। सोडे एक्सपीरियंस जी अजीबो गरीब होए होंगे, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। हां मैं भी अपना साडे मोहल्ले दा एक बच्चा मेरे हत्था ही बड़ा होया। अच्छा वो खलो के सिगरेट पी रहा सी, मेनू बड़ा गुस्सा जड़ा, मैं कहो ए की कर रहे है, सिगरेट पी रहे है, कोई सुटे नु उन्हें सिर सुट लिया। मैं बड़ा खुश होया, मैं कह यार इहदा मतलब इह ते मेरी गल दा असर होया। मैं कह तू सिगरेट छुड़ दिता है, फिर उन्हें इंज करके उत्ते मूंह कीता, कहिंदा चल आ। मैं तू मेरी गल सुन के मूंह थले क्यों कीता सी, कहिंदा काश दा मजा लै रहा। नहीं वो मुंह थले करके सोच रहा है कि इन्हें मैं कहना की। सिगरेट पीते ना उतो जुगता भी करते। अच्छा भी मैं बस आ रहा था एक बंदे ने सिगरेट ला लिया, मैं ओए सिगरेट बंद कर, कहना मैं कड़ा उच्ची आवाज चलाया। हमारी आज की मेहमान मेरे रक्षे चाहिए यार। रक्षे तो याद आया, काम कैसा चल रहा है। चूही ना सखावत वर्गी हांजी कड़िकी च पूछल बिछा कह रही वन फाई ते फोन कर दे। पक्की पेंसिल लेके अक्रम राई को चल गए। की कहंदे ने, कहंदे नसीब पक्की पेंसिल ना ले। एक्टिंग मॉडलिंग फिटनेस क्या क्या तारीफ की जाए जनाब इनकी, जितनी तारीफें की जाए मैं कसम खा के कहता हूं कम है। वाह, फिल्मों में काम किया तो टिकट की खिड़की के बाहर लाइनें लग गई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री को इन्होंने चार चांद लगाए। साल साल से जो भी काम किया वो आप लोगों के दिलों में दिमागों में नक्श हो गया। मैंने भी जब इनके साथ काम किया इनसे सीखा भी, मुझे बहुत पसंद भी हैं, मैं इनका फैन भी हूं। क्या जब आपका नाम इनके सामने लूंगा आपका दिल इन्हें कितना पसंद करता है, आपकी तालियां इस बात की गवाही देंगी। फिल्म स्टार, टीवी स्टार, मॉडल, एक बहुत अच्छी इंसान, एक बहुत अच्छी मां, मैं दावत दूंगा सना द फिल्म स्टार। आ जा आ जा। Thank you very much for coming. Please have a seat. Thank you.
सना जी आए दारा बाबू बैठे हैं उच्ची थां ते यारी लाई प्यार दा चोला पाके डर लगता है टुट ना जावे पिंग हुलारा खाके निकुड़िए पंजाबा वालिए निकुड़िए पंजाबा वालिए कुछ ना बना फिर दिल को तसल्ली हुई और आ गई फिल्म स्टार सना। अच्छा शेर सुनाया फैज ने, मैं तो बेफैज ने। मेरा शेर भी सना जी के लिए कि किसने बोला था दिल लगाने को जान पर क्यों अजाब कर बैठा आए। करके दीदार तेरे हुस्न का मैं अपना खाना खराब कर बैठा। ज्यादा शेर तो नहीं आते हाँ। कुछ हमने नगमे सुन रखे हैं जिंदगी में, क्या कहें, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दिल और ज़हन में रह गए बाकी। वाह। जो शख्स दिल में रहता है ज़हन में रहता है, हम भी एक नगमे की दो लाइनें अगर उनको डेडिकेट कर दें, अगर आपकी इजाजत हो। मुश्ताक तुम आए तो आया मुझे याद, मजाक रात में आज चांद निकला। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू इमरान, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपको यहाँ देखकर, और जिस तरह से आप एनर्जी से इंटरटेन कर रहे हैं, आई हैव ऑल द विशेस फॉर यू बिकॉज आई नो योर जर्नी स्ट्रगल यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद मी। और मैं आपको रोज पूछता था सना जी मैं हीरो बन जाऊंगा। मैंने इसको कहा था कि ये तुमने स्ट्रांगली बिलीव करना है कि अपना जो तुम्हारा 100% है देते और रिजल्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं होगा। सना जी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, टीवी इंडस्ट्री में काम किया, जिंदगी में या इंडस्ट्री में जिस रात सना अपने बारे में सोचने लगती है कि मैंने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, उस रात जहन में क्या बात आती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है जो आपने अचीव की खुद? पीस, सुकून, नो रिग्रेट। क्या बात। जो भी जिंदगी में किया उसका कोई रिग्रेट नहीं है। जितनी इज्जत मिली और मिल रही है वो हक नहीं है, अल्लाह की रहमत है। वाह 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 वाह। फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल कितना इंपैक्ट किया इसने फिल्म स्टार सना को? नहीं, मुझे नहीं किया और इनफैक्ट किसी को भी नहीं किया। इससे काफी चीजें बेहतर हुई क्योंकि जब बहुत ज्यादा चीजें कलैप्स करती हैं ना, जब गिरने लगती हैं तभी न्यू बनती हैं। तो गिरे हुए तो काफी साल हो गए। नहीं नहीं, अभी भी स्टिल काफ़ी चीज़ें अभी इन द मिडल है और जो इंडस्ट्री अभी डेवलप हुई है वो न्यू इंडस्ट्री है, अभी उसको भी टाइम लगेगा। आप लोग जिस इंडस्ट्री के थे वो तो कलैप्स कर गई। जब मैंने शुरुआत की थी ना उस वक्त भी यही हाल था। मैंने तो हमेशा यही सुना कि इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई है, तो मुझे उसी इंडस्ट्री ने इज्जत दी। ठीक है, और आज तक मैं वही सना हूँ, चाहे मैं टीवी के 100 ड्रामे भी कर लूँ। ठीक है ना, मुझे रिस्पेक्ट इसी छोटी सी इंडस्ट्री ने दी। सर बड़ा कामयाब स्कोर इन्हों का, नाले वाकई कह रहे तब्दीली हूँ आ गई। जो असं फिल्मों काम कर रहे थे ना उदो जो कैमरा स्टार्ट होंगे चंगा भला एक्टर दिल से हाथ रख लेते गर वो की होया कि जाओ फीता चलता सी जी नैगेटिव, और नैगेटिव बड़ा महंगा होंदा सी। ते प्रोड्यूसर दी अख च लाली हुंदी सी जे तू रिटेक कराई ते पुत्र उन्हें पिस्तौल ते भी हाथ रखन दे। सीखने का टाइम नहीं देते थे। हाँ जी, उस वक्त जब मैंने शुरुआत की उस वक्त एक सीखने का उस तरह से टाइम नहीं देते थे क्योंकि आपको आप इतने कॉन्शियस होते थे कि बस मुझे ना किसी तरह ये बेहतर करना है। आई एम टेलिंग यू, अभी तो वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट मैंने एयरपोर्ट पे क्या पहनना है, मैंने इस शो में क्या पहनना है। आई एम टेलिंग यू वी आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड अ जॉब जिससे मुझे नाम मिला। जब आप बेस से जान के आते हो ना, लाइक लर्न करके आते हो सही रास्ते से, गलियों से, ऊंच नीच से, या कहीं किसी ने आपको खड़ा करके बोल दिया हो कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और आपने पीछे कख ना किया हो, तो आपको तो ऐसे हैं लोग हैं, तो आपको तो यही होगा ना
Am I looking good? Oh my God. So, मेरा तो coolness तो मेरी looks में चली गई ना. We are fortunately कह लें or whatever. Alhamdulillah, I take this pride and I take this title on. You need to work hard. You need to work on your character building. You need to work on your script. क्या बात? और still we are learning. We are learning from them. I do have respect this guy. Alhamdulillah, इन्होंने इतना मैंने उस वक्त काम किया जब मुझे नहीं आता था. मुझे चलो चल. कल कितने बजे का टाइम है? अब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आराम से ब्रेक ले लेता हूँ. कई मत अल्लाह की कसम है कितने नहीं जाने ब्रेक ले ला मेरा भरा. कई मत जाइएगा. सना जी यहाँ मौजूद हैं, देखते रहिए मज़ाकरात. आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. सना जी मुख्तलिफ किरदार अलिफ अल्लाह और इंसान हो, आपकी फिल्म हो, कोई भी किरदार हो, हर दफ़ा आपकी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई नई बात होती है. आपकी आंख का डाया फर्क होता है, आप एक अलग इंसान होती हैं. इसके पीछे क्या रियाजत है? हम सोचते हैं कि हमारी कुछ है बात, हम हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होती है. लेकिन मेहनत तो करती है. मेहनत से ही अल्लाह ताला साथ देता है. वाह क्या बात. वाह क्या सन्ना जी सन्ना सन्ना जी सन्ना अस्सलाम वालेकुम. वाह वाह सन्ना जी सन्ना अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम सबको. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है मैडम? बिग फैन मैम. अरे तो मुझे यकीन था कि दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी. शुक्रिया. एक एहतजाज जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड करवाना था. पहन दी ये बरसात में न जानी आज रात में. ये तो चली गई, मैं उधर ही रहा. ठीक करा दिल मेरा चला आहा नहीं हो कला मेरे बाल तक मेरे जाने मैं एक गाना इतना एंजॉय करती हूँ. अभी देखती हूँ, अभी भी सुनता हूँ. बड़ी देर बाद सजना. अच्छा सुन दे. ये वो गाने जिन्होंने जहाँ से मैंने काम करना सीखा. बार में तो आज बदल गई माना हो कहदिया ने अखा मैं तेनू बई तका मेरे वाल तक मेरे वाल ना खराब कर पैंदी बरसात वे ना जावे. वैसे तेरे वर्गियां शैमा ज्यादातर बरसात च निकल गई. मुझे वैसे बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है. अरे और बारिश में नहाता क्यों नहीं? लेकिन मैं मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला. ये क्या हुआ मैडम, आपको भी नहीं मिला? नहीं वो तो चलो उन्होंने ट्रेजेडी हुई, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं सच्चे प्यार वाला. मैम कहते हैं कि बड़ा हुआ वजन और बड़े हुए खर्चे कभी दुरुस्त नहीं होते, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं वजन कम करूंगा, आपने खर्चों पे कंट्रोल करना. मैडम आप बहुत अच्छे हैं, एक आपकी खूबसूरती पे मैंने एक शेर लिखा है. अरे वाह. हाँ वाह 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 यार करता है एडा बुरा लग. इन्हें तो कर दिया ने बैल तो नहीं लुआई. अच्छा बाहर बंदा ने लात मार दे अंदर का जिंदगी में आते रहते हैं अप डाउन. बेबी जस्ट कम ऑन. बेबी जस्ट कम ऑन. मैडम इधर तो देखे ना. मैडम इधर देखे मेरी आंखों में. अच्छा देख नहीं सकती मैडम. देखे देख नहीं सकती क्या? हुस्न क्या हुस्न क्या हुस्न क्या. वाह वो टूट ना जाए. हुस्न क्या और दिलकशी क्या थी. क्या? ये मैंने आप पे शेर लिखा खूबसूरती पे. हुस्न क्या और दिलकशी क्या थी, तुम ना होते तो जिंदगी क्या थी? अरे वाह वाह. आस जागी ना थी
आस जागी न थी अगर दिल में हल्की हल्की सी रोशनी क्या थी। हमसे क्यों कर रहे हो पर्दा, जी करदा भी जी करदा तेनू कोल बिठावा जी करदा। माशाल्लाह सरायकी भी समझती है, सरायकी में मेरी जिंदगी दा तू मालिक है, मेरे नाल ना झेड़े लाई कर, ना झेड़े लाई कर, मेरी नाजुक पक्षी दिया पलकां को ना हंजुआ दे सफर कराई कर, कराई कर, तेरी तक नहीं पैंदी शाकर ते ना दिल दे रोग वधाई कर, मैं कु पक है तू मैं कु छोड़ दे से हमी कसम कुरान ना चाही कर। तड़ पे एक जगह मेहमान गया, उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी ठीक नहीं की। मैं अपने उस दोस्त को पैगाम देना चाहता हूं जिसके पास मैं मेहमान गया, उसने मेरी कदर ही नहीं की। मेहमान आने पे खुश हुआ करो, ये सबको मैसेज है, मेहमान आने पे खुश हुआ करो क्योंकि मेहमान खुदा की रहमत होता है। मेहमान मेहमान को देख के जिसके माथे पे बल आ जाए, तंगदस्ती उसका मुकद्दर बन जाए। बेशक इस पे मैंने एक शेर लिखा है, खूबसूरत था मैडम। जाते 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 कनक दिन था, जाते जाते जो दुआ दे जाए तुम उस जुबान की कदर करना, बचना है जो तंग दस्ती से सीखो मेहमानों की कदर करना। मेहमान को जब तुम इज्जत दोगे टम्मा टम्मा लोगे, टम्मा टम्मा लोगे। ये आखिरी शेर है, ये आखिरी शेर है। मुसीबतें तो कहीं दूर खड़ी हैं लेकिन, मुसीबतें तो कहीं दूर खड़ी हैं लेकिन ये तुझ पे है तू कितना करीब लाएगा, ये तुझ पे है तू कितना करीब लाएगा। ना डाल माथे पे शिकन मेहमान देखकर, वो अपने साथ ही तेरा नसीब लाएगा। छोटी सोच के हैं ये बहकावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे। सना जी, यकतरफा मोहब्बत, क्या ख्याल है इस इमोशन के बारे में आपका? चले कह दो सना जो भी कह। मोहब्बत यकतरफा बाद में जब खत्म होती है तब पता चलता है यकतरफा थी, पहले तो पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं उस यकतरफा मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जिसमें आप कभी कभी ऐसा भी होता है आप इजहार ही नहीं कर सकते, इजहार तो दूर की बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नहीं आता। मैं उस यकतरफा मोहब्बत की बात, एक्ट्रेस से पूछ रहे हैं, अदाकारा से पूछ रहे हैं, बताइए ना यकतरफा क्या होती है, बताइए ना क्या होती है, तुम्हें तो सबसे ज्यादा पता होगी। ओए कितने साल हो गए करियर को? अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 20 इयर्स। 2 डेकेड्स, 20 साल पहले वाली सना को इसी तजुर्बे के साथ अगर कोई मशवरा दें तो क्या देंगी? यही बोलूंगी कि एंजॉय द राइड, इफ आई एवर वांट टू से समथिंग टू माय यंग सेल्फ तो वो यही कहूंगी कि just calm down, relax, relax guys, relax, enjoy the ride. oh phir aa gaya, oh mani ali ਕੀ ਰੌਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਬੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੱਤ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ
मैच के अंदर स्टेडियम चोर भी बड़े थे, मैच बंद हो गया। क्यों? पब्लिक उठ के खलो गई। क्यों? और कहनी चौधरी टॉस बाद च होएगा, पहले तेरा लतीफा सुनना सी। सारी टीम इंज चौंक च खलोती है, चोरी विच खलोता विकट के उत्ते। अरे रूला फेरन तो पहले चोरी विकट ते फिरया। अच्छा चौधरी डांस करदा ना, लगदा बतख दी कमेटी निकली। स्टेडियम दे विच गए, रौले पै गए, खप्पां पै गईआं, चोरी लतीफा, चोरी लतीफा आ गया। उत्थे लतीफा सुनाया, मत वज गई सब दी। ओए किहड़ा? मैं लतीफा सुनाया भी एक बंदा मैच वेखण गया है, आए हाय तो वेख के आ गया। इंडिया स्टेडियम च तूल तीफा सुनाया। हाँ जी। ये तेरा बेड़ा गर्क होया, मुड़े ने हस हस के स्कोर ही नहीं किया। चौधरी नूं मझाणना, ए नवी गड्डी लई कर लेने। अच्छा धागे वाली। चाचू सीरियस बात सुना है ना, एहो जो गरीबों को गड्डी नहीं हुंदी, मंजी दी ही इत्थे पछा के पी। चौधरी साहब फिल्म स्टार सुपरस्टार सना है ने, उधर ध्यान करो जरा, सीरियस गल सुनाओ ना। सीरियस गल की सुनानी है सना जी? तुसी फिल्म स्टार हो, तुसी ज़हन भी माशाल्लाह ज्यादा रखते हो, दुनिया तुहाडी फैन आ, ते चौधरी लतीफा आप तुहाडा फैन। हाय हाय हाय, तुहाडी फिल्म वेखी है रेशमा, उहदे च की तुसी सोहणे लगे हो जदों डोला जिला तो रेशमा तेरी। ते तुसी भी फिल्म च आए सो, मोमरा ने तुहानूं हाथ फड़िया सी। लो जी ये मैं तुहानूं सुणाउण लगा बई, ये सीरियस गल। एक रात नूं बंदा सुता पिया ते महल्ले च खप पई, शोर पै गया, बंदा घबरा के बाहर गया, उहने जाके वेख्या, पुछिया भी की होया। उह कहिंदा यार कुछ नहीं होया, पिंड दे खूह च किसे ने ना जहर पाती है ते पानी ना पियो। ओए ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋ ਪਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਔਰ ਆਇਸ਼ਾ ਹਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾ फायदा उठाना तो नहीं कहूंगा, अपनी उस स्पॉटलाइट को चार चांद लगाने के लिए ना लगाएं, कोशिश ना करें, ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। डायरेक्टर साहब माइक प्लीज, स्पॉटलाइट। थैंक यू, आपने ये स्पॉटलाइट में मुझे खड़ा कर ही दिया है, तो चलें मैं अंदर के मौसम का एक थ्रू शेर आपको सुना देती हूँ। शेर कुछ इस तरह से है, खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। बस नहीं था। आए आए आए, वाह 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 वाह। ऑडियंस, हमारे प्यारे, हमारी यूथ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कोई सवाल, कोई बात आप कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आपको देख के पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं सिर्फ आपको देखने आई थी यहाँ पे। अरे यार, असली फिर उतर कपड़ा बांध। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लें जनाब, देख लें, हाजिर। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके लिए एक शेर कहूंगी। प्लीज प्लीज कहिए, प्लीज। इधर बैठेंगे आप? हाँ बिल्कुल, सुनेंगे ना हम, क्यों नहीं। निसाबे जिंदगी जिस पे लिखा है, किताबे दिल वो बस्ते में पड़ी है, वो ऐसे ढूंढने निकले हैं जैसे मोहब्बत जैसे रस्ते में पड़ी है। थैंक यू, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें।
लेकिन इमरान भाई माशाल्लाह कितने प्यारे फैन है आपके, पढ़े लिखे लोग। एक कुड़ी मेरी भी फैन, मैं क्या की आपकी ख्वाहिश है, कहती मेरा दिल करता मैं तुम चपेड़ा मारा। अच्छा हो सकता है और उन्हें ख्वाहिश पूरी की थी, चपेड़ा मारी है उदे भरा ने भी पूरी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। मेरा नाम नूर फातिमा है। नूर फातिमा जी, पाकिस्तान की इतनी बड़ी सुपरस्टार हमारे पास मौजूद हैं, आपके सामने हैं, जो सवाल करना चाहती हैं कीजिए। मेरा मैम सना से क्वेश्चन है कि जिंदगी में कोई ऐसा ख्वाब जो आज भी अधूरा हो आपका, इतना कुछ अचीव करने के बाद। गुड गुड क्वेश्चन। कोई ऐसा ख्वाब हो और कोई आपका ऐसा खौफ जिंदगी में, मैं जानना चाहूंगी, और आपका ख्वाब। खौफ और ख्वाब। देखिए ख्वाबों के बगैर तो जिंदगी बेकार होती है, ख्वाब तो जरूरी होते हैं। आप अब तक जितने ख्वाब पूरे हुए ये देखे थे तो पूरे हुए। फियर में जरूर बात करूंगी, आपने पूछा फियर, मेरा फियर है लेकिन मेरा फेथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाह क्या बात, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इमरान भाई गुड क्वेश्चन। हाय। हेलो, नथिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खदीजा है। क्या कहना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन सना जी से है। सना जी, आपने इतने जो है शुरू से ही आपको शौक था इतना ज्यादा एक्टिंग का, तो किस तरह आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और प्राइवेट लाइफ को जो है इतना बैलेंस किया? मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपकी कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है, शुक्रगुजारी। ये मेरी नेचर में है, मेरे पास जो होता है मैंने कभी आँख उठा के ये नहीं देखा कि उसके पास क्या है इसके, तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत बैलेंस रखा हर चीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। अरे वाह वाह। गम से घबराना नहीं चाहिए, डिसार नहीं होना चाहिए। सरदार साहब बहुत परेशान थे एक दिन, उधर लफा सा तेरा काम नहीं करता कहने में, बहुत परेशान से मैं गया, मैं कहा दारा बाबू की गल है, कहते यार बस परेशान है, मैं कहा हिम्मत नहीं हारनी, वो दिन ही ना रहे तो जाने ये भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। ओहो वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। नाम बताएं। खदीजा। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या कहना चाहती है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्या? आपने जो रांझा रांझा में यार दे वेरे आई वाला सिंग किया, यार दे वेरे आया, ये एक मरतबा सिंग करके दिखा दें। टप टप गलियां लब जी फिरा मैं तनु बाले बाले बटियां। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं स्पेशल आपको मिलने के लिए आई हूँ। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। मैंने बहुत मुश्किल से एक शेर याद किया, वैसे मैं तशरीह में भी नहीं याद करके जाती। हजार साल की फैन बच्ची, वो भी है ना, वैसे शेर ले आई सी सच्ची मुच्ची दा। जी सुनाइए। शेर दा पहला मिसरा ही इन्हां नूं खा चला सी। जी। सरे तूर हो सरे हशर हो हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ओए ओए ओए, क्या बात, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार कितनी मीनिंगफुल शर्ट है आपकी। थैंक यू। सूरज भी निकल रहा है, कश्ती भी बह रही है, पानी भी है और खुशकी भी है। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन अयूबी है। ये बड़ा तारीखी नाम है, वरना जिन्हों का तुम नाम रखे ना उन्होंने को तेरे तो कितने तगड़ी तलवार होती। क्या कहना चाहते हैं सर? क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैं आपके लिए स्केच बना के लाया हूँ। आइए ना, आई आई, क्या बात है, स्केच। वाह पुत्र, कदे मकान दी रजिस्ट्री तेरी ले आया। ला इमरान भाई, छोटी सी यार देखिए ना उसने कितना एक पूरा तमाम। क्या बात है, एहतमाम है ये तो, बड़ा कागज बन के ले आया था, सिर दुखण डया। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा तो बाद में, लेकिन ये बता दूं कि इस पे आदम मुश्क मूसा भोला शम्मो रेहान चौधरी और सबसे ऊपर मजाक रात का इमरान अशरफ। अरे अपना अयूबी बेटा इधर तो वेखी जरा,
साढ़े तीन बारी तेरी पेंसिल मुक गई सी। देखो मेरे छोटे भाइयों की तरह मेरे मुल्क की यूथ हो, इस ये जो आपने मेरे लिए किया है इसके बदले में मैं सिर्फ एक छोटा सा काम कर सकता हूँ और वो ये है। खुश रहो यार, ये मैं इधर यही क्योंकि मजाकरात का होस्ट इस पे है तो ये जो मेरा मजाकरात जा हमारा जो मेकअप रूम है ये वहां लगेगा। जिंदाबाद, आप हमेशा वहां रहेंगे। सना जी, आपकी आमद का दुनिया न्यूज की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अंदाजा है कि आप, I loved it being here, कसम से, माशाल्लाह आपकी एनर्जी और इन तमाम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ एंड दे आर ब्रिलियंट माशाल्लाह। मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजबूत रखे, आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए। सो यू, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, यू आर अ सुपर स्टार, यू आर अ फिल्म स्टार, यू आर अ दीवा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा गाने, सब नु पता है ते हूँ मैं एड्डी वड्डी गल की तो दसो सब इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ नहीं नहीं क्या नहीं नहीं ये तो मेन हिस्सा है हमारे मजाकरात का। पिपला दी छावे कदी बह जावे, पिपला दी छावे कदी बह जावे, जिंद तेरे नाला फिर पावे मर जावा, ढोला पिपला दी छावे कदी बह जावे, जिंद तेरे नाला फिर पावे मर जावा, बैजा कोल माया बे कुछ बोल माया, बैजा कोल माया बे कुछ बोल माया, मुखड़ा तू मोड़ी ना, ओ रब दिसो मर जावांगे साथों, मुखड़ा तू मोड़ी ना, कसमां ने खानियां लाके निभानियां, हाय कसमां ने खानियां लाके निभानियां, अखियां जे फेरा तैथों रुस जावे रब मैथों, ढोला बैजा कोल माया बे कुछ बोल माया, बैजा कोल माया बे कुछ बोल।